झारखंड के जिला पश्चिम सिंहभूम में कल्याण मंच बुठीगोड़ा मैदान में 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शशिभूषण सामट एवं विशिष्ट अतिथि में जिला परिषद सदस्य रतनलाल बोदरा, मुखिया मेलानी बोदरा, पूर्व मुखिया नरेश कोंडा केल, गणेश साथी आदि लोग मौजूद थे। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री सामट ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तत्पश्चात XMLA फुटबॉल क्लब एवं ठेसा पीठ फुटबॉल क्लब के बीच उद्घाटन मैच खेला गया। आयोजित समिति द्वारा निर्धारित समय के अंदर दोनों टीमें एक एक गोल मारी और मैच ड्रा हो गया, जिसके बाद पेनाल्टी शूट खेला गया, जिसमें XMLA ग्रुप 3 और 2 गोल मारकर उद्घाटन मैच का विजेता बना। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री सामंत ने कहा कि खेल एक मनोरंजन का साधन है। हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं। हार के बाद ही निश्चित तौर पर खिलाड़ी जीतता है। खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेले और अपने गांव व क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए अपील की। फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ भव्य मेला एवं मुर्गा पाटा का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में आयोजक समिति के अध्यक्ष रतनलाल बोदरा, सचिव किशन बोदरा, कोषा अध्यक्ष सुरेश पान, विमल खंडायत, पॉलिस बोदरा, मानकी राजू बोदरा, गणेश बोदरा, रामलाल बोदरा, विवेक बोदरा, लक्ष्मी नारायण जामुदा, सोना राम कोड़ा केल, डबला बोदरा आदि का सराहनीय योगदान रहा। मौके पर काफी संख्या में खिलाड़ी व ग्रामीण मौजूद थे। अखंड भारत न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट, पश्चिम सिंहभूम।